हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पिंका खोक्स। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और कल अमित गया था गोवा और मैं आज जा रही हूँ अपने घर। पहले जाऊँगी बहन के घर और देन अपनी मम्मी के घर, तो मैं भी इतने दिन एंजॉय करूँगी। चलो आप इस जर्नी में मेरे साथ रहना, बहुत सारे व्लॉग देखने को मिलेंगे। अमित अपने गोवा के डालेगा, मैं यहाँ के डालूँगी। चलती हूँ। और आज तो ना मुझे वो वाली याद आ गई है, मेरी याद ताज़ा हो गई है। जब मैं एक बार केरला से आई थी तो मैं ऐसे ई रिक्शा में जा रही थी, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिस पे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के कमेंट आए थे। तो मैं ऐसे ही ई रिक्शा में जा रही थी, तो मैंने ना ऐसे ही मतलब थोड़ा बहुत दिखाया था उस टाइम पर भी। शायद ये वाला टाइम तो नहीं था, शायद बारिश का टाइम था और जैसे रोड पे खड्डे होते हैं ट्रैफिक, तो ये चीज़ें नेचुरल है इधर। यहाँ पे इतना ट्रैफिक ये सब तो मिलेगा ही, और शामली में तो स्पेशली क्योंकि पास में यहाँ पे शुगर मिल है तो उस वजह से गन्ना बहुत आता है, तो यहाँ पे बहुत मिलता है। गाइस मैं देखती हूँ यहाँ पे फ्रूट, कर दो भैया एक ही कर दो। ऑनलाइन हो जाएगी पेमेंट? ऑनलाइन नहीं होगी? नहीं ऑनलाइन नहीं होगी क्या? ऑनलाइन तो हो जाएगा। हाँ तो ऑनलाइन ले लेना भैया। गाइस ये पहुंच गई मैं फाटक पे, शामली का जो फाटक है जिसकी मैं बात कर रही थी कि यहाँ पे शुगर मिल है और उस वजह से अब देखना यहाँ पे कितना ट्रैफिक होगा। ये यहाँ पे 24/7 ही मानो रहता है क्योंकि इधर से हरियाणा वाली बसें आती है, यहाँ पे ऑलरेडी इतना होता है तो बहुत टाइम लगने वाला है यहाँ पे। अभी ये देखो बस घर पहुंचने वाली हूँ अपने घर वाली आगे आ गई, अपने घर वाली गली में आ गई हूँ। जिधर से ये टेम्पो नहीं निकल रहा अंकल, इधर लेना है। हाँ ये टेम्पो निकला जहाँ से। अरे बच्चों गेट खोलो। हाँ बच्चों गेट खोलो। हाँ बच्चों नमस्ते। ओहो हो बड़ा हो जाओ और ये देखो यहाँ लोग छिप रहे। मंकू नमस्ते। तुझे पता नहीं था अख मैं आऊंगी आज? ओहो तेरे लिए तो प्रैंक हो गया तेरे पे तो है। मैं ये तो कहती तेरे पे तो प्रैंक हो गया, प्रैंक वीडियो बन गई तुम्हारे ऊपर तो। अच्छा रे मैं से लुकाऊंगी लेकर। अरे मंकू तू ये जूते अंदर लेकर आया सीधे? तेरी मम्मी ना आते ही मुझे तो वहां निकाल दिया था बाहर। कैसा लगा मंकू? बस बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, मजा आया। कौन लंबा है? अरे जीजा को भूल हो रही थी जो शादी कर ली। देख के ये बता तेरी मम्मी लंबी है? मैं अच्छा मम्मी गाइस अभी हम सब जाएंगे मार्केट। नंबर वन कैंडिडेट, नंबर वन कैंडिडेट, नंबर टू, नंबर थ्री सब रेडी हो रखे हैं मार्केट जाने के लिए। और ये चमक छलो अरे
गाइस हम पूरे एक घंटे से यहाँ खड़े हैं दुकान के सामने। क्यों? क्योंकि मेरी बहन यहाँ पिछले घंटे से हमें लेके यहाँ खड़ी है और हम वेट कर रहे हैं कब आएगी निकल के। और ये देखो, अब देखना इधर को, इतनी सारी चीजें देख चुकी, इतनी सारी चीजें देख चुकी, हमें समझ ही नहीं आ रहा हमें कब तक खड़ा होना पड़ेगा। चलो 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 दुकान। और हम ना इरिटेट हो रहे हैं, पूरे बुरी तरह इरिटेट है बहुत ज्यादा। अब नंबर आया है उसका, अब जाके बैठी है और मंकू कितनी स्पीड से पास में जाके बैठा है और हम मर गए गर्मी में, पसीने भी आ गए। हा?